हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक थर्मो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे तीन तरीके जिससे आप अपना बैंक बैलेंस को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये तीनों तरीके बड़ी कमाल के हैं। और तीनों तरीके बताने से पहले आप लोग से एक विनती है कि अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको अगर पहला तरीका पसंद नहीं आया, हो सकता है दूसरा तरीका है, या दूसरा तरीका पसंद नहीं आया, हो सकता है तीसरा तरीका है। तो इसलिए मैं आप लोग से बोल रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, कोई ना कोई तरीका आपको पसंद आ ही जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं आप लोग को पहला तरीका बताने जा रहा हूँ आप किस तरह से अपना बैंक बैलेंस को चेक कर सकते हैं घर बैठे। तो चलिए, मैं सबसे पहला तरीका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको गूगल पे का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है गूगल पे का, इस यहाँ पर आपको खोल लेना है। और खोलने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पिन आ रहा है, इसमें आपको पिन डाल देना है। इसका पूरा प्रोसेस बताऊँगा दोस्तों आप किस तरह से करते हैं। सबसे पहले मैं बैलेंस चेक करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो चलिए, मैं इसका बैलेंस चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन है चेक बैलेंस, चेक अकाउंट बैलेंस। तो इस जगह में आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आपका खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोल रहा है इंटर यूपीआई पिन। तो यहाँ पर आपको पिन डालना होगा, तो ये पहले सेट करना होता है। तो ये भी बताऊंगा आप किस तरह से करेंगे, तो वीडियो के अंत तक देखते रहिए। तो यहाँ पर आपको पिन डालना होगा। चलिए, मैं देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने अपना पिन डाल दिया है, यूपीआई पिन। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे में एक साइन का ऑप्शन है, इस जगह में आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से आपका अकाउंट बैलेंस चेक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट बैलेंस इस जगह में आपको शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपना बैलेंस को चेक कर सकते हैं। उसके बाद चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि आप दूसरा तरीके से आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना होम स्क्रीन में जाना होगा। तो चलिए, मैं होम स्क्रीन में आ गया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर आपको फ़ोन पे खोल लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अंत तक ज़रूर देखते रहिए। तीसरा जो तरीका है वो कमाल का तरीका है, उससे आप आसानी से कोई भी फ़ोन से आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को देखते रहिए, उसमें भी बताऊंगा आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको फ़ोन पे से अगर करना होगा तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि ऊपर में एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक बैलेंस, तो इसमें आपको सिंपल से आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर शो होने लगेगा। अकाउंट का जो लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर का। उसके बाद यहाँ पर आपको ये भी तरीका बताऊंगा आप किस तरह से अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, तो वीडियो को देखते रहिए। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें अब इसके ऊपर आपको सिंपल से टच करना है। तो जैसे टच करेंगे, यहाँ पर भी आपको पिन डालना है, आप जो भी पिन सेट किए रहेंगे। तो चलिए, डालते हैं दोस्तों, मैंने अपना पिन डाल दिया है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे में आप देख सकते हैं कि उसी की तरह एक साइन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपको इसमें आपको सिंपल से क्लिक करना है। तो चलिए, मैं क्लिक कर लेता हूँ। आप जैसे ही क्लिक करेंगे, कुछ देर के बाद आपका अकाउंट बैलेंस यहाँ पर शो हो जाएगा। तो देख, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि उसमें जो हम लोग बैलेंस चेक किए थे वही बैलेंस यहाँ पर भी शो कर रहा, क्योंकि मेरा ये जो अकाउंट है वो सेम अकाउंट का है, इसलिए यहाँ पर दोनों सेम शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपना बैंक खाता का बैलेंस चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं और तीसरा तरीका बताने वाला हूँ आप किस तरह से कोई भी फ़ोन से आप अपना तीसरा तरीका से वो अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए, और इसका बाद में ये भी प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरह से कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक देखते रहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको डन में क्लिक कर देना है। उसके बाद इसको तीसरा जो तरीका मैं बताने वाला हूँ, ये कमाल का तरीका है। इससे आप कोई भी फ़ोन से, आपके पास अगर कीपैड भी फ़ोन है तो उससे आप अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी बैंक आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बैंक ऑफ इंडिया में आप कैसे चेक करेंगे वो बताऊंगा। उसके बाद SBI में आप कैसे चेक करेंगे वो भी बताऊंगा। उसमें भी दो तरीका बताऊंगा आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो इस बैंक ऑफ इंडिया में चेक करने के लिए सबसे पहले आपको एक नंबर यहाँ पर टाइप करना होगा, जैसे कि 9266131351, उसके बाद 35। ये टाइप करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पर आपको मिस कॉल देना है। तो जैसे ही आप मिस कॉल देंगे, इसमें आपका फ़ोन लग जाएगा और ऑटोमेटिकली इसमें क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो कोरोना वायरस का ये चल रहा है, तो वो थोड़ा पहले बता रहा है, तो थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद यहाँ से आपको सिंपल से एक मिस कॉल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो मैसेज वो आ गया। यहाँ पर आपको सिंपल से आपको मैसेज खोल लेना है।
मैसेज खोलने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक तरफ से एक मैसेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा बैलेंस है यहाँ पर शो करने लग गया। तो इस तरीके से आप कोई भी फ़ोन से आप अपना बैलेंस को चेक कर सकते हैं। आप मिस कॉल देके आपको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप कभी भी किसी भी टाइम आप रात के 12 बजे या कोई भी किसी भी टाइम आप अपना बैंक बैलेंस को चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप SBI बैंक है अगर तो उसमें आप कैसे चेक कर सकते हैं। SBI अगर बैंक अकाउंट है तो यहाँ पर आपको सिंपल से वहीं पर करना है। उसके बाद मैं ये जो नंबर दे रहा हूँ ये वाला आपको टाइप करना है 1800424253533, उसके बाद 3800। ये वाला नंबर टाइप करने के बाद आपको सिंपल से मिस कॉल देना है। आप कोई भी नंबर से आपका जो भी नंबर रजिस्टर होगा और उसके बाद आपका एक मैसेज इस तरह से आएगा और उसमें बता देगा कि आपका बैंक बैलेंस कितना है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों SBI में अगर अकाउंट है तो आप और एक तरीका मैं बताने वाला हूँ, आप उस तरीके से भी आप अपना बैंक बैलेंस को चेक कर सकते हैं। आपको जाना पड़ेगा उसको, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैसेज में जाने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा इस जगह में टेक्स्ट मैसेज में BAL टाइप करने के बाद आपको 2 में जाना पड़ेगा। इस जगह में 2 में जाने के बाद एक नंबर दे रहा हूँ, उसमें आपको सिंपल से आपको मैसेज भेज देना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको नंबर बता दे रहा हूँ। सबसे पहले 9223737 और 5 6 लगा देना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ये सिम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सेंड के बटन में क्लिक करना है। तो जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज आएगा, उसमें बता देगा कि आपका बैंक बैलेंस कितना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा मोबाइल नंबर है रजिस्टर नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा। आपका मोबाइल रजिस्टर होगा तो आप बता देगा, और क्योंकि मेरा बैंक SBI में बैंक अकाउंट नहीं इसलिए नहीं बता रहा। तो इसलिए इस तरीके से आप अपना बैंक बैलेंस को चेक कर सकते हैं। उसके बाद तो दोस्तों तीनों तरीक़ों में से आपको कौन सा तरीका पसंद आए कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आप अगर गूगल पे या फोन पे का पूरा फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए कि आप इस तरह से उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस तरह से और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।